हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सस्टेनेबल एवरीडे। एक मिनट चाय पी लें, प्यास लग गई। ओके ठीक है। हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। और आज इस व्लॉग में हम जाने वाले हैं स्मॉग मीनार के पास। जी हाँ, स्मॉग मीनार। अब दिल्ली में कुतुब मीनार के बाद खुल गया है स्मॉग मीनार, बोले तो AKA स्मॉग टावर। स्मॉग टावर दिल्ली में सिर्फ तीन ही चीज़ तो फेमस है, इंडिया गेट, JNU के डेयरिंग लॉन्डे और स्मॉग। जी हाँ, स्मॉग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। नवंबर 2019 के महीने में गवर्नमेंट ने सेंट्रल और दिल्ली गवर्नमेंट से कहा कि आप एक रोड मैप बनाओ और इस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करो यार। उसी का नतीजा है कि ये स्मॉग टावर को इंस्टॉल किया गया है गौतम गंभीर फाउंडेशन द्वारा। तो क्या है ये स्मॉग टावर, कैसे काम करता है, आज इस वीडियो में इसके बारे में जानेंगे। लेकिन अभी सुबह का टाइम हो गया है तो हम जा रहे हैं प्लॉगिंग करने। चलिए चलते हैं प्लॉगिंग। तो गाइस, प्लॉगिंग तो हम लोग बहुत टाइम से कर रहे हैं, बट प्लॉगिंग का डेफिनेशन लोग ठीक से समझ नहीं पाते हैं। प्लॉगिंग बेसिकली ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ कंट्री जहाँ पे वेस्ट का इतना ज़्यादा इशू नहीं है, बट पीपल आर मोर अवेयर टूवर्ड्स इट। तो वहाँ पे उस कंट्रीज़ में होता है क्या है कि आपको एक पैकेट मिलेगा चिप्स का या कैंडी का पैकेट मिलेगा, और अगले 1000 फीट के बाद आपको दूसरा पैकेट मिलेगा। बट द सिनेरियो इज़ टोटली डिफरेंट व्हेन इट कम्स टू आर कंट्री इंडिया। यहाँ पे क्या है कि आपको चलते चलते एक कूड़े का बंडल मिलेगा, फिर आप थोड़ी दूर और चलेंगे तो फिर वहाँ पे आपको चलते चलते एक कूड़े का पहाड़ मिलेगा। तो इट्स नॉट लाइक कि यू हैव टू क्लीन अप द होल हुड। द बेसिक आइडिया इज़ यू नीड टू बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द सोसाइटी। तो आप ये मूवमेंट करो एंड मेक श्योर कि आपके फ्रेंड ये ज्वाइन करें। सो दिस विल बिकम अ वेरी बिग मूवमेंट एंड यू विल डेफिनेटली सी अ चेंज इन द सोसाइटी। तो यहाँ पे अभी हम आ गए एक मौत के गड्ढे में जहाँ पे बहुत सारा कूड़ा है। तो नीरज इज़ गोना क्लीन इट एंड आई एम गोना टेक सम 360 शॉट्स। अरे ये क्या, ये गणेश जी डिवाइडर के पास क्या कर रहे हैं यार? ये बहुत मतलब ख़राब मुझे सुपरस्टिशन लगता है लोगों का कि भगवान की डर के वजह से भगवान को घर में लेके आते हैं और फिर उनकी थोड़ी सी मूर्ति या फोटो क्रैक क्या हो जाती है, भगवान को घर के बाहर रख देते हैं। इंसान का डर ही है जो भगवान को घर में लाता है, और फिर ही इंसान का डर वही एक्ट प्ले करता है कि भगवान को घर के बाहर निकाल दो। यार क्या बेवकूफ़ी है यार। आखिर क्या है ये स्मोक टावर, होता क्या है, करता क्या है? जो डेंस आपके पर्टिकुलर मैटर आपके वातावरण में रहते हैं, जो आपके लंग्स को चोट पहुंचाते हैं, तो ये उसको चूस के, फिल्टर से गुजार के, फिल्टर बोले तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उससे गुजरने के बाद हवा बाहर को फेंकता है। तो लोगों में बहुत सारी कन्फ्यूजन है कि इसके अंदर से फ्रेश एयर निकलती है। तो मैं बता दूँ, ये फ्रेश एयर नहीं, फिल्टर्ड एयर होती है। सो इट्स अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है क्योंकि उन लोग ने बीटेक नहीं किया है मेरे तरह। तो इसमें से जो हवा पास होती है वो इन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से निकलने के बाद बाहर फिर से इंजेक्ट कर दी जाती है। तो इनका कहना ये है कि जब ये इंस्टॉल किया गया है तो इसमें से जो एयर पास होकर बाहर निकलेगी तो वो 80% पर्टिकुलर मैटर को कम कर देगी। लेकिन जिस हिसाब से मैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहा था, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर समय समय पे मेंटेनेंस नहीं हुआ तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, चोक हो जाते हैं फिल्टर्स। तो अभी जो इसकी फ़िलहाल हाइट है वो 20 फीट है। सो इट्स लाइक बहुत बड़ा सा किचन है, हज़ार हज़ार एकड़ का, और उसमें छोटा सा एक फ़ैन लगा हुआ है इसको फ़िल्टर आउट करने के लिए। तो ये कोई नया डिवाइस इक्विपमेंट नहीं है, ऑलरेडी चाइना में 350 फीट का स्मॉग टावर लगा हुआ है। अपने कंट्री में ये पहला भी नहीं है, इसके पहले भी दिल्ली में ITO में एक ट्रायल बेसिस पे लास्ट ईयर एक स्मॉग टावर लगाया गया था जो कि फेल हो गया। अब इसकी स्पेसिफिकेशन कुछ ऐसी है कि अगर ये अपने ऑप्टिमम कैपेसिटी यानी फुल कैपेसिटी पे परफॉर्म करेगा एक पूरे दिन में, तो एक पूरे दिन के अंतराल में ये 6 लाख क्यूबिक पर
पर मीटर एयर को फिल्टर आउट कर पाएगा, फिल्टर आउट, फ्रेश एयर नहीं देगा, ठीक है। जो स्मॉग टावर है ये अप्रॉक्सीमेट एरिया जो अपने चारों तरफ डोम में कवर करता है दैट इज अराउंड 700 to 750 meters। बेहतर तो ये रहेगा कि आने वाले टाइम में इन स्मॉग टावर को कुछ अच्छी R&D कंपनियां या IIT के स्टूडेंट्स मिलके सोलर टेक्नोलॉजी के साथ कपल कर दे तो इसका रनिंग कॉस्ट और कम हो जाएगा और ये दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक और एस्थेटिक लगेगा। इस स्मॉग टावर का जो कंप्लीट इंस्टॉलेशन कॉस्ट आया है जो हमें पता चला है दैट इज़ अराउंड 7 लाख। अब दिल्ली के कुछ डेयरिंग लोगों से हमने इसके बारे में इंटरव्यू लिया कि आपको क्या लगता है कि दिल्ली में स्मॉग की क्या हालत है, तो आइए कुछ लोगों से जानते हैं। तो भाई साहब, आप हमें बताना चाहेंगे कि दिल्ली में अभी पॉल्यूशन और स्मॉग की क्या हालत है? अरे माँ चुदी पर ही अचानक बता रहे हो करे। चलिए, तो देखा दोस्तों कैसे इस समझदार व्यक्ति ने इतने कम शब्द में हमें इतनी बड़ी बात समझा दी कि कितनी दिक्कत है यहाँ पे स्मॉग की। तो अगर आपको लग रहा है कि ये भाई साहब गलत कह रहे हैं तो मैं आपको एक फिगर बताना चाहता हूँ। WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1650 सिटी में सर्वे किया गया जिसमें जो हमारी सिटी है, हमारी कंट्री का कैपिटल दिल्ली, वो टॉप है इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन। ग्लोबल लेवल पे हमारी जो कंट्री है वो टॉप पे आती है इन टर्म्स ऑफ पीपल डाइंग जस्ट बिकॉज ऑफ लंग इन्फेक्शन एंड अदर डिजीजेस लाइक एस्थमा एंड अदर थिंग्स। तो हर साल इंडिया में 2.5 मिलियन लोगों की मौत हो जाती है सिर्फ और सिर्फ लंग इन्फेक्शन से, पॉल्यूशन से जुड़ी हुई बीमारियों के कारण। तो अगर आपको लगता है कि ये जो स्मॉग चूसने वाली मशीन है इसका कोई इस्तेमाल नहीं मार्केट में, तो दोस्तों आप बहुत ही गलत हैं। आने वाले टाइम में आप देखेंगे बहुत ही कॉमन हो जाएगा, आपको हर चौराहे पे, मेन चौराहे पे ये स्मॉग सकिंग मशीन्स मिलेंगी। अच्छे अच्छे कॉरपोरेट ऑफिसेस के बाहर, अंदर, हर जगह लगा होगा। तो अभी ये लोगों के लिए नई चीज़ है, लोग इसके बारे में नहीं समझ पा रहे हैं, पर आने वाले टाइम में दिस विल बिकम द थिंग इन द मार्केट।